तो लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड दिए गए हैं, आपने वो यहाँ पर पुट करने हैं। जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे, उस आपके सब्जेक्ट के हवाले से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे जिस टीचर को ईमेल और पासवर्ड दिया गया है उसको कुछ सेक्शन असाइन किए गए हैं, जैसे इनके मुख्य सेक्शन असाइन किए गए हैं। तो मैं अब यहाँ पर एक सेक्शन सर्च कर ले लेता हूँ, S9। जैसे मैं S9 पे क्लिक करूंगा तो इसके टॉपिक शो होना शुरू हो जाएंगे। अब फर्ज करें कि मैं टॉपिक 1 के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ राइट पे देखेंगे तो यहाँ पर इस सेटिंग का बटन है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आ रहा है टर्न एडिटिंग ऑन, इसको क्लिक कर दें। अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हर टैब के साथ एडिटिंग का बटन आ जाएगा। अब फर्स्ट टॉपिक के साथ, टॉपिक 1 के साथ आप स्ट्रीमिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो इस पे ऐड एक्टिविटी और रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी। आपने सबसे लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है यूआरएल की, ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो आपसे कुछ ऑप्शन डिटेल पूछेगा कि नेम क्या होगा, आप लिखें यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग। यूआरएल मैं आपको बता दूंगा, यूआरएल कहाँ से आएगा। अभी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है टाइमिंग कि आप किस टाइम पे अपना वीडियो लेक्चर लेना चाह रहे हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करवाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 PM टू 4 PM, और इसको डिस्प्ले कर देते हैं कि ये कोर्स पे शो हो आपके कि ये इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैं ऑन ईयर होगा या लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। अब यूआरएल कहाँ से आएगा, आप गूगल पे जाएं दोबारा। अब आप लोगों को इन लॉगिन के साथ भी ईमेल एड्रेसेस दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ, आपने वो यहाँ पर शेयर करने हैं। यहाँ पर आपने लॉगिन होना है उस ईमेल एड्रेस से या सुपीरियर के कोई भी आईडी से। मैं अपने सुपीरियर के आईडी से लॉगिन होता हूँ। जैसे लॉगिन होगा यहाँ पर गूगल ऐप की और ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे मीट के नाम से ऑप्शन है, ऐप है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो गूगल मीट की साइट खुल जाएगी। अब आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे यहाँ पर आ रहा है आपको मीटिंग का नाम आपने सेलेक्ट करना है, यानी कि मैं सब्जेक्ट फिजिक्स के हिसाब से हूँ तो मैं फिजिक्स के नाम से लूँगा लेक्चर। कंटिन्यू कीजिए, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये आपका गूगल मीट ज्वाइनिंग रूम ज्वाइन करना शुरू हो जाएगा, आप लोगों का मीटिंग ज्वाइन करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपने ज्वाइन करना है या प्रेजेंट करना है, आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो सामने एक ऑप्शन आपको एक बॉक्स नजर आएगा जिसमें आपको यूआरएल शो कर रहा होगा शेयरिंग का, आप इस यूआरएल को कॉपी करें और एक्सटर्नल यूआरएल पे जाकर पेस्ट कर दें और तो सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर दें। जैसे आप सेव एंड रिटर्न टू कोर्स करेंगे यहाँ पर देखें टॉपिक 1 के साथ आपका लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी शुरू हो गया, शो हो रहा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट कैसे करेगा। ये मेरे पास स्टूडेंट का एक है लॉगिन, ठीक है। मैं इस पे यहाँ पर S9 पे एक स्टूडेंट है फिजिक्स का, मैं इस पे क्लिक करता हूँ सब्जेक्ट पे। अब ये देखिए उसके पास ये इस तरह शो हो रहा होगा लाइव स्ट्रीमिंग 4 से 5। स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली लाइव स्ट्रीमिंग पे, गूगल मीट के लाइव स्ट्रीमिंग पे चला जाएगा। जैसे वो इधर आएगा वो उससे नाम पूछेगा, वो अपना नाम जो जो भी नाम होगा आउटपुट करेगा और आर्ट्स टू ज्वाइन करेगा। जैसे यहाँ से आर्ट्स टू ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो आपके गूगल मीट के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि समवन वांट्स टू ज्वाइन दिस मीटिंग। अली अभी आपका स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा है तो आप इसको एडमिट कर लें। जैसे एडमिट करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा आउटसाइडर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वो इसलिए कि कुछ बच्चों के पास सुपीरियर के लॉगिन नहीं होते, तो
इसलिए यहाँ पर आउटसाइड सुपीरियर ग्रुप आ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे शो एवरीवन, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट शो हो रहे होंगे, एक आप खुद होंगे और अगला आपका स्टूडेंट होगा। अब आप यहाँ पर बच्चों के साथ कैसे लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको राइट साइड पे आ रहा है प्रेजेंट नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो योर एंटायर स्क्रीन यानी कि आपकी सारी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि शेयर स्क्रीन कौन सी है, इस पर क्लिक करके आपके शेयर कर दें। अब जैसे ही करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, और ये अब स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, यानी कि आपकी ये स्क्रीन जो है ना सब स्टूडेंट को शो हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मेरा नाम आ रहा है प्रेजेंटिंग और यहाँ पर ये सारी स्क्रीन शो हो रही है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पावर पॉइंट की स्लाइड चला सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन करें, ये मुख्तलिफ पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, ये आप यहाँ पर शो करेंगे तो वो यहाँ पर भी शो हो जाएंगी स्टूडेंट को। ये देखें ये स्टूडेंट का इंटरफेस है, यहाँ पर शो हो। फिर इसके बाद आप फर्ज करें कि कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर पेंट खोल सकते हैं, पेंट वाइट बोर्ड का एक काम करेगी पेंट, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बच्चे को लिख कर बता सकते हैं या जो भी चीज़ है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। जो चीज़ आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे वो हर बच्चे को इंडिविजुअल वहाँ पर शो होगी, और दैट्स ऑल। आज सबको यानी कि आप लोगों को यही बस बताना था कि किस तरह आप लोगों को शेयरिंग कर सकते हैं, क्या क्या काम हो सकता है शेयरिंग के साथ और किस तरह हो सकता है। तो थैंक यू।